शुरू करने से पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल की सारी नोटिफिकेशन जानने के लिए नोटिफिकेशन के इस आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, कर्मयोद्धा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निखिल शर्मा। आप कर्मयोद्धा के यूट्यूब चैनल पर किडनी से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे किडनी पेशेंट्स की डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। किडनी पेशेंट्स को अपनी डेली रूटीन का खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनकी किडनी को ठीक करने में ना सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि ये आपको हेल्दी भी रखेगा। अब हम आपको डेली रूटीन से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट है, अपनी डेली रूटीन में डाइट का ध्यान रखें, क्योंकि प्रॉपर डाइट ना सिर्फ किडनी फंक्शंस को इम्प्रूव करती है बल्कि पूरी बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है। इसके लिए आप कम सोडियम और शुगर वाले मील्स लें, जिससे किडनी पर प्रेशर ना पड़े। सेकेंड है, वेट मॉनिटर रखें। इसके लिए आप डेली एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं। वेट कंट्रोल रहने से किडनी फंक्शंस इम्प्रूव होते हैं। थर्ड है, ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर रेगुलेट करें, क्योंकि इसका अमाउंट ब्लड में बढ़ने से किडनी प्रॉब्लम होती है। 30% डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए ब्लड शुगर में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अपनी डेली रूटीन में नमक ज़्यादा क्वांटिटी में ना खाएं। ज़्यादा क्वांटिटी में नमक किडनी को ख़राब कर सकता है। मील्स में लिया गया 95% सोडियम किडनी के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होता है। एक्सेसिव सॉल्ट किडनी के वर्क प्रोसेस को स्लो करता है। लास्ट है, स्मोकिंग और अल्कोहल क्विट करें। इन हैबिट के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिससे ब्लड वेन्स में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और किडनी की फंक्शनिंग कम हो जाती है। इसलिए इन आदतों को अपनी डेली रूटीन लाइफ से बाहर निकाल दें। अब हम आपको उन आदतों के बारे में बताएंगे जिनको आप अपनी डेली रूटीन लाइफ से बाहर निकाल दें। जैसे कि फर्स्ट है, पेन किलर और एंटीबायोटिक का ज़्यादा सेवन करना बंद कर दें। आप शायद जानते ना हो कि ज़्यादा पेन किलर्स या एंटीबायोटिक खाने से हमारी किडनी डैमेज भी हो सकती है। सेकंड है, जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा सेवन करना बंद कर दें। लास्ट है, यूरिन होल्ड करना। कई बार हम काम के दबाव में या किसी रीज़न की वजह से अक्सर हम लोग यूरिन को होल्ड करने लगते हैं, और इस आदत की वजह से किडनी डैमेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। कर्मा आयुर्वेदा ने सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज जो है वो संभव नहीं है। संभव में से 8 आदतों और वो संभव हो जाएगा। इम्पॉसिबल इट सेल्फ स्पीक आई एम पॉसिबल। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं, संतोष कुमार मित्रा। ठीक नाम बताया सर। क्या नाम पेशेंट की, कौन है आप? क्या नाम है आपका? दुशासन बेहरा। दुशासन बेहरा, कहाँ के रहने वाले? ओडिशा का अंगुल। उड़ीसा ओंगोल डिस्ट्रिक्ट। ओंगोल डिस्ट्रिक्ट, ओंगोल से यहाँ पर आए हैं सर। तो क्या क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? संतोष कुमार को क्या क्या प्रॉब्लम हो गई थी? सर पहले तो 16 जुलाई को हमारा डिटेक्ट हुआ कि किडनी का प्रॉब्लम है। उस टाइम 3.4 था। ओके। तो हम हॉस्पिटल गए, धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वो 6.2 तक आ गया। फिर हम नेट से सर्च करके आयुर्वेद के बारे में सोचे। अच्छा। नेट से सर्च करके इधर आ गए। ओके। और इधर से मेडिसिन खाते 3.5 महीना हो गया, अभी वो 3.4 है। काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं आपको और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। तो ये उस समय फिजिकल लेवल पर भी संतोष को काफी दिक्कत हो रही थी, क्या क्या समस्याओं से जूझ रहा था संतोष? उस समय ब्लड प्रेशर भी हाई रहता था, शुगर लेवल बहुत हाई रहता था। और इंसुलिन कितना ले रहे थे पहले आप? 18 18 18 18 18 18, यानी कि दिन में 3 बार, एक बारी में 18 यूनिट आप ले रहे थे लगभग, है ना? और फिर अभी कितना ले रहे हो आप? 2 यूनिट 4 यूनिट एंड 2 यूनिट। संतोष कुमार मित्रा को और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था। कितना था क्रिएटिनिन जब आया था? क्या बताया था नेफ्रोलॉजिस्ट ने वहाँ पे? 6.2। डायलिसिस होगा बता दिया था नेफ्रोलॉजिस्ट? हां, ब्लड टेस्ट करो, कंफर्म कर दिया था डायलिसिस होगा। अब आप खुश नहीं हो सकता, डायलिसिस ही लास्ट ऑप्शन है, ऐसा बता दिया था नेफ्रो ने सर। अभी तो डायलिसिस तो नहीं कराया ना? नहीं सर, जरूरत भी नहीं पड़ी। नहीं सर। और ये रिपोर्ट्स कहां से करा के लाए? ये तो जहां पे कर रहे थे उसी में करके लाए, अपने आसपास से कराए सर। अभी कितना आया क्रिएटिनिन लेवल? अभी तो 3.4 है। 3.4 है, देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को घटा रहे हैं। क्रिएटिनिन वाज अराउंड 6 पॉइंट था ना जब आप आए थे? 6.2 क्रिएटिनिन था जब ये आए थे। आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर 6.2 इज अ क्रिएटिनिन लेवल, और यूरिया जो है वो 80 के आसपास है इस रिपोर्ट में। क्रिएटिनिन इज अराउंड 6.2 सर।
और जब आए थे जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था अगस्त में और ये देख के डॉक्टर ने डायलिसिस एडवाइस कर दिया था। ये फिर उन्होंने बीच में एक और बार कराया है, कटक से कराया टेस्ट, ओंगोल में ही है, महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, शार्प 11/2019, सेल दिस क्रिएटिनिन इज अराउंड 3.9, यूरिया इज अराउंड 59 सर। और अभी एक लेटेस्ट करा के लाए हैं 25/11/2019, क्रिएटिनिन इज अराउंड 3.4, यूरिया इज अराउंड 53 सर। रिमार्केबल इंप्रूवमेंट इन द क्रिएटिनिन लेवल एंड व्हिच हैज केम डाउन राइट फ्रॉम 6.2 टू 3.4।